शहर के एक वकील के पक्षकार की जमीन की रजिस्ट्री हिंगना में की जानी थी, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए हिंगना रजिस्टर ऑफिस की महिला कर्मी ने फरियादी से 20,000 रुपए की मांग की थी, जिसके चलते फरियादी ने नागपुर के एंटी करप्शन ऑफिस में इसकी शिकायत की। शिकायत मिलते ही ACP ने जाल बिछाकर आरोपी महिला को रंगे हाथ थर दबोचा। ACP द्वारा की गई कार्यवाही से हिंगना परिसर में खलबली मची है। आए दिन रजिस्ट्री कराने के नाम पर हिंगना के रजिस्ट्रार ऑफिस में पार्टी से ज्यादा पैसे की मांग की जा रही है। यदि रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मियों को पैसे नहीं दिए जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति की रजिस्ट्री नहीं की जाती है। अतिरिक्त राशि वसूलने का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है, लेकिन जब फिरियादी इसकी शिकायत एंटी करप्शन को करता है तो भ्रष्टाचार करने वाले कर्मी ACP के हत्थे चढ़ जाते हैं। जी हां, ऐसी एक घटना हिंगना रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है, जहां वहां पर काम करने वाली वरिष्ठ महिला कर्मचारी अलका रविंद्र फेंडर, इसने फिरियादी से जमीन रजिस्ट्री के लिए 20,000 की मांग की थी, जिसकी शिकायत फिरियादी ने नागपुर एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों से की। अधिकारियों ने जाल बिछाकर आरोपी महिला कर्मी को रंगे हाथ धर दबोचा है। ACP द्वारा की गई कार्रवाई से हिंगना कार्यालय में खलबली सी मची है। आज दिनांक 3 जून 2021 रोजी एंटी करप्शन ब्यूरो ची दुय्यम निबंधक कार्यालय हिंगना इथे कारवाई झालेली आहे। येथील तक्रारदार हे आमच्याकडे आले होते आणि तक्रारदार हे व्यवसायाने वकील असून त्यांचे जे पक्षकार आहे त्या पक्षकाराची जी खरेदी केलेली जमीन आहे त्याची पक्की नोंदणी करून घेण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालय हिंगणा येथील वरिष्ठ लिपिक यांनी त्यांना 20,000 मागणी केली आणि 20,000 मागणी करून तडजोडी अंती 15,000 स्वीकारले आहे। आणि आमच्या पूर्ण टीमने याची गोपनीयरित्या शहानिशा करून पाहणी केली, पडताळणी केली, ऍक्सेप्टन्स झाल्यानंतर आपली केस झालेली आहे। अशा प्रकारे एंटी करप्शन ब्युरो नागपूर युनिटने कामगिरी केलेली। हिंगना रजिस्ट्रार कार्यालय में ACP द्वारा की गई कार्यवाही में PSI देवकाते, सुनील तिवारी, लक्ष्मण चौरे, संदीप, शिवदत्त, पवन आदि ने की है। हिंगना रजिस्ट्रार कार्यालय से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज नागपुर।